नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे जिया खान मामले में 10 साल बाद बरी होने वाली सूरज पंचोली की। जी हाँ, आपको बता दें कि सूरज पंचोली अब कानूनी पचड़े से पूरी तरह से बच निकल चुकी है। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद सूरज पंचोली को आखिरकार जिया खान के मामले में कोर्ट ने पारित कर दिया। हालांकि सबूतों का हवाला देते हुए जहां एक ओर राबिया खान कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब पंचोली परिवार इस मामले से अपना नाम पूरी तरह से साफ करने की कोशिश कर रहा है। जहां एक ओर आदित्य पंचोली इस मामले में अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सूरज पंचोली भी अपनी इमेज को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक ओर सूरज पंचोली कल सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए, तो वहीं दूसरी ओर अब उन्होंने एक वेबसाइट एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए जहां एक ओर जिया खान और अपने रिश्ते के आखिरी दिनों की सच्चाई सामने रखी, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने दो ऐसे कलाकारों का शुक्रिया अदा किया जिन दो कलाकारों ने उस मुश्किल घड़ी में सूरज पंचोली का साथ दिया। सबसे पहला नाम सलमान खान और दूसरा नाम सुनील शेट्टी। सलमान खान, जी हाँ, आपको बता दें कि सूरज पंचोली के साथ हमेशा खड़े रही हैं। सलमान खान को इसीलिए सूरज पंचोली बहुत ज़्यादा मानते हैं। सूरज पंचोली यहाँ पर पंचोली परिवार और सलमान खान का गहरा रिश्ता है। सलमान खान की कई फिल्मों को आदित्य पंचोली डायरेक्ट कर चुके हैं, उनकी कई फिल्मों में वो नजर भी आ चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर सूरज पंचोली की साल 2015 में आई फिल्म हीरो सलमान खान और सुभाष घई ने ही प्रोड्यूस की थी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद जहां एक ओर जिया खान के फैंस ने सूरज पंचोली को काफी ज्यादा ट्रोल किया, तो वहीं दूसरी ओर इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान सलमान खान ने सूरज पंचोली की इमेज को काफी ज्यादा क्लीन करने की कोशिश की। दूसरा नाम जो लिया था यहाँ पर सूरज पंचोली ने वो था सुनील शेट्टी का। दरअसल आपको बता दें कि साल 2015 में आई फिल्म हीरो में सूरज पंचोली के ऑपोजिट फीमेल लीड के तौर पर आतिया शेट्टी को डेब्यूट किया गया था। जी हाँ, उन्हें ब्रेक दिया गया था। आतिया शेट्टी और सूरज पंचोली की जोड़ी को इस फिल्म में फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था और इसीलिए सूरज पंचोली ने सुनील शेट्टी और यहाँ पर सलमान खान का शुक्रिया अदा किया कि उस वक्त में जब हर कोई मेरे खिलाफ था तब सुनील शेट्टी और सलमान खान ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे काम दिया। जी हाँ, इन 10 सालों में सूरज पंचोली किसी भी एड में नजर नहीं आए और ये जो दर्द है वो अब आखिरकार सूरज पंचोली ने अपना जाहिर किया है और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर सलमान खान और सुनील शेट्टी उन्हें सपोर्ट नहीं करते तो शायद वो कोई बड़ा कदम भी उठा सकते थे। न केवल सलमान और सुनील शेट्टी बल्कि उन्होंने यहाँ पर रेमो डिसूजा, सुभाष घई और वो तमाम सितारे जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में सूरज पंचोली का साथ दिया, उनका अब वो शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।